Welcome students to your new class. Vija, myself Ritu Bansal, and I will teach you computer subject through video lessons. Vija, I know आप सब अपने स्कूल को बहुत मिस कर रहे हैं, टीचर्स को बहुत मिस कर रहे हैं. बेटा यकीन मानिए हम भी आप सबको उतना ही मिस कर रहे हैं, ठीक है बेटा. पर हमें अपने आप को सेफ रखना है, बिकॉज इट इज वेल सेड कि हेल्थ इज वेल. नाउ लेट्स विजिट आवर कंप्यूटर लैब. दिस इज आवर कंप्यूटर लैब. जब आप लोग स्कूल आएंगे तब आप इन कंप्यूटर्स पर प्रैक्टिकल करेंगे. हम आपको पेंटिंग करना सिखाएंगे कंप्यूटर लैब में, अपना नेम राइट करना सिखाएंगे ब्यूटीफुल कलर्स के साथ, सुंदर सुंदर हैंडराइटिंग के साथ. अच्छी लगी ना आपको अपनी कंप्यूटर लैब? अभी आपने अपने कंप्यूटर लैब देखी ना? चलो एक बार हम कंप्यूटर वर्ड के स्पेलिंग्स रिवाइज करते हैं. क्या स्पेलिंग है कंप्यूटर के, बोलो मेरे साथ साथ. सी ओ एम पी यू टी ई आर, कंप्यूटर. क्या बन गया ये? कंप्यूटर. ठीक है, अब हम लोग क्या सीखेंगे बेटा? देखो आपने क्या कभी सोचा है, ये जो वर्ड कंप्यूटर है, इनके जो सभी ये अल्फाबेट्स हैं, 8 अल्फाबेट्स हैं, इनका कुछ मीनिंग है. क्या मीनिंग है, किसके लिए स्टैंड करते हैं ये? लेट्स लर्न. कंप्यूटर फुल फॉर्म, सी फॉर कॉमन, ओ फॉर ऑपरेटिंग, एम फॉर मशीन, पी फॉर पर्पसली, यू फॉर यूज्ड फॉर, टी फॉर टेक्नोलॉजिकल, ई फॉर एजुकेशन, एंड आर फॉर रिसर्च. यूजेस ऑफ कंप्यूटर. आप बेटा बहुत सारी जगह पर विजिट करते हैं अपने पेरेंट्स के साथ, और आपने ये देखा है ना कि बहुत कंप्यूटर लगभग हर जगह पर अब यूज होने लगा है. तो थोड़ा सा रिवाइज करें कि कंप्यूटर जनरली कहाँ कहाँ पर यूज होता है. बैंक्स में, कभी बैंक में गई हैं आप अपने पेरेंट्स के साथ? बैंक में कंप्यूटर यूज होता है. किसके लिए यूज होता है, ये आप देख रहे हैं, ये बैंक के कस्टमर्स और क्लाइंट्स हैं. इन सभी का एक अकाउंट होता है बैंक में, और उस अकाउंट की सारी डिटेल कंप्यूटर में फीड होती है. उसके लिए बैंक्स में कंप्यूटर यूज होता है. हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में एक्सरेज करने के लिए, मेडिकल रिपोर्ट्स बनाने के लिए, ठीक है, इनके लिए जो है डॉक्टर्स कंप्यूटर्स को यूज करते हैं. स्कूल, स्कूल में तो आप सबको पता है, अभी मैंने आपको आपके कंप्यूटर लैब भी शो की थी ना, वहां पर हम किस लिए कंप्यूटर्स को यूज करते हैं? फॉर एजुकेशन पर्पस. मैम आपको टीच करती हैं, आप नॉलेज गेन करते हैं कंप्यूटर की स्कूल में, है ना. और सोचो कहाँ पर यूज होता है, रेलवे स्टेशन गए हो कभी अपने पेरेंट्स के साथ, वहां देखा है आपने कंप्यूटर? बेटा क्या करते हैं वहां कंप्यूटर की हेल्प से, बताओ, सोचो जरा. यस, टिकेट्स. आपको किसी भी डेस्टिनेशन पर जाना है, उसके लिए आपको अगर टिकट बाय करना है तो कंप्यूटर की हेल्प से आपको टिकट रिजर्व करवा सकते हैं. आप लोग अपना टिकट बाय कर सकते हैं. और सोचिए और क्या यूज है कंप्यूटर का, सोचो सोचो. एंटरटेनमेंट. अब स्टडीज कर सकते हैं तो हम अपना एंटरटेनमेंट भी तो कर सकते हैं कंप्यूटर की हेल्प से. हम सॉन्ग सुन सकते हैं, वीडियोस देख सकते हैं, कार्टून मूवीज देख सकते हैं, एंड गेम्स प्ले कर सकते हैं. तो कंप्यूटर की हेल्प से हम सिर्फ स्टडीज नहीं कर सकते, हम अपना एंटरटेनमेंट भी कर सकते हैं. तो आपको क्लियर हुआ कि कंप्यूटर जो है कैसे कितना यूजफुल पार्ट बन चुका है हमारी लाइफ का, कि हर जगह पर जो है हमें कंप्यूटर नजर आता है. आपको पता चला कि कंप्यूटर हमारी लाइफ का कितना इम्पोर्टेंट पार्ट बन चुका है. पर क्या कभी आपने सोचा है कि ये कंप्यूटर वर्क कैसे करता है? मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ. व्हाट इज दिस?
a sharpener and this is a blunt pencil. एक ब्लंट पेंसिल है ना, हमें इस पेंसिल को बेटा शार्प करना है, तो हमें किस चीज की जरूरत होगी, शार्पनर की। और हम क्या करेंगे, पेंसिल को शार्पनर में इंसर्ट करेंगे एंड इसको हम रोटेट करेंगे पेंसिल को, तो देखिए क्या होगा, ये पेंसिल शार्प हो जाएगी। शार्प प्रोसेस किया हमने पेंसिल शार्पनिंग करने के लिए एंड क्या आउटपुट मिला हमें, अ शार्प पेंसिल। एक शार्प पेंसिल का आउटपुट मिला ना हमें बच्चे, ठीक है। और एक और बात बताइए, अब ये जो पेंसिल शेविंग्स हैं, जब आप क्लास में पेंसिल अपने शार्प करते हो, घर पर करते हो, कहां पर थ्रो करोगे इन्हें, ऑन द फ्लोर नहीं ना, कहां पर थ्रो करते हैं, इन द डस्टबिन, ठीक है। तो बेटा देखिए हमारे पास क्या इनपुट था, एक ब्लंट पेंसिल, हमने उसको पेंसिल में डालकर शार्प किया, सेकेंड स्टेप। एंड थर्ड स्टेप हमें एक शार्प पेंसिल मिली, थ्री स्टेप वर्किंग हुई ना, इनपुट ब्लंट पेंसिल, प्रोसेस शार्पनिंग एंड आउटपुट इज अ ब्लंट पेंसिल। अब हम लाइव एग्जांपल्स और लेते हैं इसी चीज को समझने के लिए। घर में नोटिस किए, मम्मा कपड़े धोती हैं, क्लोथ्स वॉश करती हैं, तो उसमें इनपुट क्या होगा, देखो यहाँ पर डर्टी क्लोथ्स है ना, आप खेलते हुए कपड़े अपने गंदे करते हो ना, तो वो इनपुट क्या हुआ, डर्टी क्लोथ्स। मम्मा फिर क्या करती हैं, उन क्लोथ्स को वॉशिंग मशीन में डालती हैं और कुछ डिटर्जेंट डालती हैं एंड देन आपको आउटपुट क्या मिलता है, क्लीन वॉश्ड क्लोथ्स। थ्री स्टेप में वर्क किया ना वॉशिंग मशीन ने भी, इनपुट प्रोसेस आउटपुट। नेक्स्ट देखिए, मेकिंग अ टी, पापा और मम्मी चाय पीते हैं ना, तो टी बनाने के लिए हमें क्या क्या प्रोसेस इनपुट चाहिए, मिल्क चाहिए, शुगर चाहिए, टी लीव्स चाहिए, जिंजर चाहिए, है ना। फिर उसके बाद हम प्रोसेस क्या बना करते हैं, गैस पर बनाते हैं चाय को इन अ पैन एंड आउटपुट क्या मिलता है हमें, अ कप ऑफ टी। ये भी इनपुट प्रोसेस आउटपुट हुआ। नेक्स्ट इज ब्रशिंग टीथ, आप ब्रश करते हैं अपने टीथ को, इनपुट क्या हुआ, पेस्ट एंड द टूथ पेस्ट एंड टूथ ब्रश प्रोसेस, आप अपने टीथ को ब्रश कर रहे हैं, ब्रशिंग कर रहे हैं टीथ की एंड आउटपुट क्या मिलेगा आपको, क्लीन टीथ। अब देखिए क्या करते हैं बेटा, क्ले से, ये आपके पास क्ले होती है, आप इसको प्रोसेस करती हैं, अपनी क्रिएटिविटी अप्लाई करते हैं और सिंपल से दिखने वाली क्ले को अपनी क्रिएटिविटी अप्लाई करके, प्रोसेसिंग करके उसकी ब्यूटीफुल टॉयज में कन्वर्ट कर देते हैं, है ना, ये आउटपुट हुआ। बेटा अभी आपने सीखा ना कि कैसे हर एक वर्क जो है थ्री स्टेप्स में होता है, पहले हम इनपुट देते हैं, फिर प्रोसेसिंग होती है एंड देन आउटपुट आता है। सेम वे में कंप्यूटर भी बेटा थ्री स्टेप्स में ही वर्क करता है, पहले इनपुट डिवाइसेस की हेल्प से, हमने इनपुट डिवाइसेस सीखे थे ना, तो इनपुट डिवाइसेस की हेल्प से हम कंप्यूटर को इनपुट देते हैं कीबोर्ड एंड माउस की हेल्प से, देन सीपीयू उसको प्रोसेस करता है इंफॉर्मेशन को एंड आउटपुट आती है आउटपुट डिवाइसेस में, जो भी कीबोर्ड से टाइप करेंगे वो मॉनिटर स्क्रीन पर नजर आता है, या फिर अगर हमें सॉन्ग सुनने हैं तो स्पीकर्स के थ्रू सुनते हैं और अगर प्रिंटिंग करनी है तो प्रिंटिंग के थ्रू करते हैं। तो कंप्यूटर इन भी इन द सेम वे थ्री स्टेप्स में ही वर्क करता है, इनपुट प्रोसेस एंड आउटपुट। आई एम शोइंग यू द बुक ऑफ कंप्यूटर, दिस इज योर कंप्यूटर बुक, आईटी विजर्ड। क्या है आपकी कंप्यूटर बुक का नेम, आईटी विजर्ड, ठीक है, एंड इट इज पब्लिश बाय अवर्तन पब्लिकेशन। आपको अपनी बुक पर नेम स्लिप पेस्ट करनी है एंड इस नेम स्लिप पर ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग में अपना नेम, क्लास एंड सेक्शन लिखना है। बुक्स को टियर नहीं करना है बेटा, बुक्स को आप प्रॉपर वे में संभाल कर रखेंगे, टियर नहीं करेंगे, नीट एंड क्लीन आपकी बुक्स होनी चाहिए बच्चे। एंड बुक के अंदर भी फर्स्ट पेज पर यहाँ पर बेटा आपका नेम, क्लास एंड सेक्शन राइट करने के लिए स्पेस दी हुई है।
यहां पर भी आप अपना नेम राइट करेंगे, ठीक है। एंड जो भी वर्क आपको एक्सरसाइज पार्ट करवाया जाएगा वो आप बुक में ही लिखेंगे। और फॉर राइटिंग आप कौन सी नोटबुक यूज करेंगे? सिंगल लाइन नोटबुक, जो आपकी हिंदी की नोटबुक होती है ना बेटा सिंगल लाइन, आप ये वाली नोटबुक यूज करें। आप अपने नोटबुक को प्रॉपर वे में कवर करेंगे, नेम स्लिप पेस्ट करेंगे एंड ब्यूटिफुल वे में उस पे अपना नेम, क्लास एंड सेक्शन भी लिखना है। समझ आ गया? नोटबुक में से कोई भी स्टूडेंट पेस्ट हियर नहीं करेगा। आपको अपनी स्टेशनरी आइटम्स भी प्रॉपरली रखना सीखना है। आपके पास आपके किट या ज्योमेट्री बॉक्स, जो भी आप लोग यूज करते हैं अपने स्टेशनरी आइटम्स को कीप करने के लिए, ठीक है, उसे उसमें आप प्रॉपर वे में अपनी स्टेशनरी आइटम्स को डालेंगे। आपके पास स्केल, पेंसिल, शार्पनर, इरेजर, ये चीजें हमेशा अपनी होनी चाहिए, ठीक है। तो आपने अब क्या करना है बेटा, ताकि आप लोग स्कूल में आने से पहले जो है आपको क्या करना है, क्या हैबिट डालनी है, डेली रात को अपना सारा का सारा स्टेशनरी आइटम्स अपने किट में या ज्योमेट्री बॉक्स में प्रॉपर वे में प्लेस करना है एंड प्रॉपर वे में उसे प्लेस करना है और अपने बैग में डालना है। बेटा अगर आप अभी से हैबिट डालेंगे, डेली आपने रात को बेटा क्या करना है, अपनी स्टेशनरी किट और ज्योमेट्री बॉक्स भी पैक करके सोना है। उससे क्या होगा, जब आप स्कूल आएंगे बेटा तब आप कोई भी अपनी स्टेशनरी आइटम घर पर नहीं भूलेंगे, बिकॉज आपको पता है हमें अपने आप को कोविड 19 से सेफ रखना है ना, सेफ कोविड 19 से। तो उसके लिए हम किसी से भी किसी भी चीज की शेयरिंग नहीं करेंगे। स्टेशनरी आइटम्स के साथ साथ बेटा आपको अपना बैग भी प्रॉपर वे में डेली रात को पैक करना है। टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आपको अपना बैग पैक करना है। और एनी टीचर कैन चेक योर बैग एनी टाइम इन द ऑनलाइन क्लास, ठीक है बच्चे। अपने बैग को प्रॉपरली अरेंज करके सोएंगे आप। It's going to be a fantastic year full of learning and growing together. I know you all are amazing in doing everything. तो बेटा साथ ही साथ हमने सीखना है, पढ़ना है। जो भी मैम आपको करवाएंगे वो आपको बहुत अच्छे से वीडियो में वॉच करना है। क्लास में आपने पूरे ध्यान से सुनना है, इंटरेक्शन क्लासेस होंगी उसमें आपने बहुत ध्यान से मैम की बात को सुनना है। होमवर्क अपना ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग में रूटीन बेसिस पर कंप्लीट करना है, तो हम बहुत कुछ सीखेंगे। थैंक यू बेटा, हैव अ नाइस डे। अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।